ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो, बधाइयां। आज सारे भारत भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर गली को सजाया जाता है, हर घर के अंदर सजावट होती है और मंगल मूर्ति की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन सारे विश्व भर में जहां जहां भारतवासी है, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन उसके पीछे का भावार्थ क्या है? गणेश जी को कहा ही जाता है बुद्धि के देवता है, अर्थात जिसके पास आध्यात्मिक प्रज्ञा है। और इसीलिए तो महर्षि वेद व्यास जी ने भी जब महाभारत ग्रंथ लिखना था तो उस वक्त गणेश जी का आवाहन किया। महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में कहा गया है कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ में मेरे मन की अति उच्च अवस्था समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा है, जो कि मेरे ही मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ यही है कि जब गणेश जी का आवाहन करते हैं तो वो जानते हैं कि गणेश जी जैसा उत्तम लेखक उन्हें कोई प्राप्त नहीं होता, जो उनके हर मन की बात को भाव को समझ करके इस ग्रंथ के लेखक बनेंगे और निर्विघ्न के साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। इसीलिए उनको आवाहन किया जाता है। और बहुत स्पष्ट शब्द में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि समाधि अवस्था में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको जो प्रेजेंट कर रहा हूं, उसको जो प्रकट कर रहा हूं, वो मेरी ही मन की कल्पनाओं के द्वारा उसको रखने का प्रयास करता है। भावार्थ यही कि आज जैसे किसी छोटे से बच्चे को हमें कोई ज्ञान वर्धक बात सिखानी हो या कुछ मॉरल सिखाना हो जीवन के लिए, मान लो कि किसी बच्चे को हमें यही सिखाना है कि बेटा जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्यता का आग्रह रखना चाहिए। ज्ञान यही है, लेकिन अगर मैं सीधा उपदेश दूं तो हो सकता है बच्चे की समझ में ना आए, लेकिन अपने मन की कल्पनाओं के विस्तार से अगर एक कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सत्यता का पात्र हो, एक झूठ का पात्र हो, और फिर उस कहानी के माध्यम से उस बच्चे को इस मॉरल को समझाने का प्रयत्न करूं कि सत्य के सामने कितने भी विघ्न आते हैं परंतु वो कभी हारता नहीं, सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है, और झूठ की कभी विजय हो ही नहीं सकती। झूठ दिखने में सरल होता है, सहज होता है, सत्य में बहुत सारे विघ्न नजर आते हैं, लेकिन आखिर विजय सत्य की ही होती है। झूठ की कभी विजय नहीं हो सकती। तो जो ज्ञान है उस ज्ञान को रखने के लिए एक मन की कल्पनाओं के विस्तार से कहानी का निर्माण किया। ठीक यही बात महर्षि वेद व्यास जी भी गणेश जी के आवाहन करते हुए कहना चाहते हैं कि हे गणनायक, ये ग्रंथ मैंने समाधि अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे मैं प्रकट कर रहा हूं, लेकिन ये प्रकट कर रहा हूं अपने मन की कल्पनाओं के विस्तार से। और इसीलिए उन्होंने एक महाकाव्य रचा
और उसको लिखने के लिए सर्वसमर्थ गणेश जी को ही समझा। गणेश जी ने एक शर्त रखी इस महाकाव्य लिखने के समय। उन्होंने कहा कि जहां आप रुके मैं उठ करके चला जाऊंगा, इसलिए आपको निरंतर लिखवाना होगा। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने इस शर्त को मान्य रख लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि ये समाधि अवस्था से प्राप्त हुआ ज्ञान है और इसलिए मेरी हर बात को आप समझ करके लिखेंगे, बिना समझ कर नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रख लिया और कहा जाता है कि गणेश जी जब लिखने बैठे तो प्रथम श्लोक गीता का जब आया कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र के मैदान अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है उसका विस्तृत वर्णन करके मुझे सुना। तब गणेश जी ये सोचने पर रुक गए, ये सीधा कहते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। और फिर आज से 5000 साल पूर्व जहां एक परिवार की वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती थी, वहां उस समय धृतराष्ट्र कहते हैं कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, एक ही परिवार के सदस्य, उसके बाद भी मेरा और पांडु पुत्र अर्थात मेरे और तेरे की भावना कहां से आई। कहा जाता है इस बात को समझने के लिए, सोचने के लिए गणेश जी भी मजबूर हो गए, रुकना पड़ा और रुक करके उस बात को समझ करके कि कलयुग के अंतिम समय में घर घर के अंदर एक ही परिवार के अंदर ये भावना पनपने लगेगी जहां तेरे और मेरे का भाव होगा, जहां धर्म और कर्म दोनों को अलग अलग स्थान दिया जाएगा, दोनों को एक साथ समावेश नहीं किया जाएगा कि हर कर्म के अंदर श्रेष्ठ धारणाएं हो या हर श्रेष्ठ धारणा के अंदर श्रेष्ठ कर्म समाया हुआ हो। तो जहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र व्यक्ति का अलग हो जाएगा, धर्म क्षेत्र व्यक्ति का अलग हो जाएगा और तेरे मेरे की भावना में आने के कारण ही अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होंगे। इस बात को जब उन्होंने समझा कि यही तो हर विघ्नों की जड़ है, हर विघ्न का कारण है, और तब उन्होंने बहुत बखूबी से श्रीमद् भगवद् गीता को सुना भी, समझा भी और लिखा भी। इसीलिए उनको मंगल मूर्ति के साथ साथ विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो यही कहा जाता है कि श्री गणेश करते हैं। अब शुभ कार्य के लिए श्री गणेश क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर कोई इंसान यही चाहना रखते हैं कि ये शुभ कार्य करते समय कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए और निर्विघ्न ये कार्य संपन्न होना चाहिए। इसीलिए श्री गणेश जी का आवाहन करते हुए, गणेश जी को याद करते हुए उस शुभ कार्य को आरंभ करते हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि श्री गणेश करते हैं और वहां पर स्वास्तिका निकालते हैं,
अब गणेश जी का और स्वास्तिका का भी क्या संबंध है? स्वास्तिका को कहा जाता है सुअस्ति। संस्कृत के सुअस्ति शब्द से ये प्रकट हुआ है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। अर्थात कोई भी कार्य करते हुए जब हम अपनी मनसा को श्रेष्ठ रखते हैं, विचारों को श्रेष्ठ रखते हैं, हम अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक रखते हैं, तो जहां सकारात्मक मनोवृत्ति और श्रेष्ठ विचारों के साथ, शुभ विचारों के साथ कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो वह निर्विघ्न ही रहेगा। इसीलिए तो गीता के सार में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। अर्थात तीनों ही काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों ही काल शुभ होगा अगर मन के अंदर श्रेष्ठ विचार होंगे और सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ उस कार्य को करेंगे तो तीनों ही काल, आरंभ, मध्य और अंत, सदा शुभ रहेंगे। और इसीलिए पंडित लोग जब स्वास्तिका निकालते हैं तो स्वास्तिका के ऊपर एक कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर श्रीफल रख देते हैं या नारियल रख देते हैं। भावार्थ यही है कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करें तो आध्यात्मिक प्रज्ञा के साथ आरंभ करें। आध्यात्मिक ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में, कलश माना ये बुद्धि रूपी कलश, इसलिए कलश का शेप जो होता है हमारे मस्तिष्क का शेप जैसा है। अर्थात कि जैसे गणेश जी का सर बड़ा दिखाते हैं, भावार्थ यही कि आध्यात्मिक प्रज्ञा के साथ कोई भी शुभ कार्य को आरंभ करो। जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि रूपी कलश में होगा और हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका फल कैसे होगा? बहुत शुभ और श्रेष्ठ होगा। इसीलिए श्री फल ऊपर में रखा, अर्थात उसका परिणाम शुभ फल के रूप में ही हमें प्राप्त होगा लाइफ। तो श्री गणेश के साथ ये जो विधि जुड़ी हुई है, श्री गणेश, स्वास्तिका, कलश और श्री फल, उसके पीछे यही भावार्थ है जिससे हमारा हर कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा और हम सदा निर्विघ्न रहेंगे। ये आशीर्वाद हमें परमात्मा की ओर से या श्री गणेश जी की ओर से सदा प्राप्त रहेगा ही रहेगा। प्रेरणा यही मिलती है कि हमें सदा शुभ भावना के साथ, श्रेष्ठ विचारों के साथ, सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ शुभ कर्म करना होगा तो सदा ही हर फल हमें शुभ और श्रेष्ठ मिलेगा। तो आज गणेश जी के विशेष ये उत्सव में हम सभी यही प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि शुभ कार्य करने के लिए सदा आध्यात्मिक प्रज्ञा को साथ लेकर के चले, उसी को जीवन का एक हिस्सा बना दें और ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हमारे जीवन के हर कर्म में होगा तो सदा हम निर्विघ्न बने रहेंगे। और यही आशीर्वाद के साथ, यही शुभ भावना, शुभ कामना के साथ आज पुनः गणेश जी की चतुर्थी के सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।